3 स्टार। तो चलिए एक राइड ले लेते हैं और राइड लेकर बताते हैं आपको कि क्या कुछ इसका जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बाकी तो राइड की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इसकी स्पीड की, इसके कंफर्ट की, वो अलग से बनाऊंगा। लेकिन एक छोटा सा राइड लेते हैं और राइड लेकर टेस्ट करते हैं गाड़ी की राइड कैसी है। तो फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट गियर जो डलता है ये थोड़ा सा हार्ड है, ये नामालूम अभी क्यों हार्ड है और कभी कभी फील भी नहीं होता कि डला भी है या नहीं। रेस्ट एसी की बात करूँ तो एसी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत शानदार इसका जो कूलिंग सिस्टम है बहुत बढ़िया है और गाड़ी काफ़ी स्मूथ है। तो ये आपको सिग्नल मिल रहा है कि सीट बेल्ट लगा ली जाए, तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ से चलते हैं और बताते हैं आपको राइड के बारे में। भाई बहुत स्मूथ राइड है, काफ़ी स्मूथ राइड है, गाड़ी एकदम भाग रही है। 1500 सीसी का जो इंजन है उसका फील आपको यहाँ मिल जाता है देखने को प्रॉपर। जो 1500 सीसी का इंजन है उसका फील है, पावर है गाड़ी के अंदर काफ़ी। रोड प्रेजेंस के तो क्या ही कहने, आपको जहाँ से भी आप जाते हो लोग आपको गाड़ी को देखते हैं और नज़र नहीं हटा पाते गाड़ी के ऊपर से। स्टेयरिंग थोड़ा सा मैं महसूस कर रहा हूँ कि हल्का सा स्टेयरिंग हार्ड सा लगता है कभी कभी। हाँ स्टेयरिंग हल्का सा, बाकी रेस्ट पिकअप की बात करता हूँ तो काफ़ी अच्छा पिकअप है, स्मूथनेस है, काफ़ी अच्छी स्मूथनेस है। जो पहले जिप्सी आती थी उससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ आपको फील होती है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। कटिंग अच्छी खासी कटिंग है, सस्पेंशन तो बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छे सस्पेंशन है जो बेसिकली बनाए गए हैं इसको ऑफ रोडिंग के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बताने वाले हैं कि हमें लास्टली फाइनली गाड़ी की डिलीवरी मिल गई और ऑन रोड गाड़ी लेकर आए हैं फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे जिमनी के फीचर्स के बारे में भी, जो अभी तक एक तो हमने चलाई नहीं थी, राइड नहीं ली थी, अंदर से एक्टिवली इसके फीचर्स नहीं देखे थे, इसकी जो रोड प्रेजेंस एक्चुअली रोड पर है वो नहीं पता चली थी, वो सब चीज़ों को हमने देख लिया। और अब हमें आने वाला बहुत मज़ा, क्योंकि इसकी बहुत सारी सीरीज़ बनने वाली है वीडियोज़ की। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे 2000 चैनल जरूर जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरे करिए। तो चलते हैं और बताते हैं आपको जिमनी के बारे में कि जिमनी में क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए बात करते हैं जिमनी के बारे में, हमारी प्यारी जिमनी के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कुछ इस तरह की कि आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर राउंड शेप में आपको इसके मिलते हैं हेडलैम्प, ऊपर आपको मिल जाता है टर्न इंडिकेटर, नीचे आपको जो फॉग लैम्प मिलते हैं, हमारा जो वेरिएंट है अल्फ़ा मैनुअल ट्रांसमिशन का, इसके अंदर आपको जो बम्पर पर आपको ये देखने को मिलता है हमारा जो आपको नीचे फॉग लैम्प मिल जाता है वो आपको हेलोजन बेस्ड मिल जाता है, DRL इसके अंदर मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग कंडीशन हमारी फ्रंट प्रोफाइल की है। यहाँ पर आपको कुछ इसकी लुक देखने के बाद जिप्सी की ज़रूर याद आती है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जो सेकंड वेरिएंट है ये जिमनी के रूप से आया है, जो कि पहले जिप्सी आती थी, तो उसका कुछ लुक आपको फ्रंट प्रोफाइल उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगता है। यहाँ पर क्रोम फिनिश के अंदर आपको जो हमारी ग्रिल है यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल क्रोम फिनिश में, और ये कुछ इस तरीके की आपकी प्रोफाइल, बढ़िया वाला हुड, जिप्सी जैसा हुड, एक भारी भरकम लुक मिल जाती है। और बताते हैं इसकी एक स्पेशल फीचर के बारे में, नीचे बम्पर पर आपको मिलती है हनीकॉम्ब बेस्ड कुछ ग्रिल, नीचे भी मिल जाती है कुछ इस तरीके की, यहाँ पर आपको नीचे भी ग्रिल देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए, इंजन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये ग्रिल मिल जाती है। इसके एक स्पेशल फीचर की बात करते हैं जो गाड़ी में अलग से दिया गया है, वो है हेडलाइट का वॉशर। तो चलिए बात करेंगे इस हेडलाइट वॉशर की, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं हेडलाइट का वॉशर कुछ इस तरीके से वर्क करता है, ये देखिए। तो बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से वर्क करता है ये वॉशर, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो ये एक बेस्ट फीचर है जो इस तरीके से आप देख सकते हो, एक अच्छा खासा प्रेशर जो है पानी का हेडलैम्प पर आता है, बहुत अच्छा प्रेशर। तो ये एक स्पेशल फीचर गाड़ी का ऐड किया गया गाड़ी के अंदर। तो इसके जो ख़ास एक फीचर, तो जो अभी जिस फीचर की हमने बात की,
हेडलाइट के जो वॉशर की, ये ध्यान में रखिएगा कि जब आपकी हेडलैम्प ऑन होगी उसी टाइम पर ये काम करेगा वॉशर, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हो गया एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक अलग फीचर जो हमारे को मिलता है जिमनी के इस मॉडल में। 210 का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है। और बात करेंगे अल्फा के मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी जिमनी के इस कलर की काइनेटिक की, तो ये मिलती है कुछ ऐसी आपको चाबी, कुछ इस तरीके की रिमोट की आपको मिल जाती है, जिसको आप, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स लॉक अनलॉक के। ये लॉक का सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर, अनलॉक का फीचर मिलता है। तो आपको जो आपकी चाबी के अंदर कंट्रोलिंग मिलती है वो मिलती है आपको लॉक और अनलॉक की, कुछ इस तरीके की। और उसके बाद बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको मिलती है कुछ इस तरीके की देखने को। साइड प्रोफाइल की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको आने वाली है याद जी वैगन की। हाँ, काफ़ी हद तक उससे इंस्पायर्ड ये साइड प्रोफाइल आपको मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात आपसे कर ही चुका हूँ, एक बहुत शानदार ग्राउंड क्लियरेंस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गाड़ी का व्हील साइज़ की बात करेंगे तो 15 इंचिस के अलॉय व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके के गन मेटल में अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि टायर प्रोफाइल काफ़ी अच्छी रहती है। और बेसिकली जो ये गाड़ी बनाई गई है, ये गाड़ी बनाई गई है ऑफ रोड पर्पज से, ऐसा नहीं है कि सिटी में नहीं चला सकते, चला सकते हैं। तो ये आपको फेंडर पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ORVM पर कंट्रोलिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको मिल जाता है, अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपकी साइड प्रोफाइल है। साइड प्रोफाइल में आपको जो मेन बात बताना चाहता हूँ वो डोर की बताता हूँ। तो ये वाला डोर ज़्यादा बड़ा है, जो फ्रंट डोर है, पीछे वाला छोटा है, आप फील कर सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है यहाँ पर खुल जाता है जब आप इसको खोलते हैं। यहाँ से रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, इसको पुश करते हैं, गाड़ी अनलॉक होती है, खोल दीजिए तो ये डोर पूरा खुल जाता है। मैक्सिमम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डोर पूरा खुल जाता है काफ़ी बड़े अमाउंट में। कंपैरेटिवली देखते हैं पीछे की डोर की बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से कम खुलता है। तो ये एक फील आप देख सकते हैं डोर को लेकर कि कुछ इस तरीके का डोर की प्रोफाइल आपकी साइड की मिल जाती है। बेसिकली ये क्यों बनाई गई और क्यों लाई गई, ये हम सभी जानते हैं कि एक गाड़ी है जो काफ़ी परेशान कर रही थी मारुति को, थार, और उसके कंपैरिजन में ये गाड़ी को बनाया गया है। और क्योंकि थार थ्री डोर है, लाइक टू डोर, आगे के दो ही डोर हैं और पीछे के ये, पीछे का ये वाला डोर उसमें नहीं आता है, और बाकी आप पीछे से बूट स्पेस आपका ओपन होता है। थार में जब बैठ जाते हैं तो मानकर चलें कि पीछे की अगर जो लोग बैठने वाले हैं, आगे की सीट आपको फोल्ड करनी होगी, उसके बाद निकलकर पीछे जाएंगे, तो ये वाला ट्रबल देखते हुए और 4x4 गाड़ी ये निकाली, सो दैट कि ये गाड़ी 4x4 जो गाड़ी निकाली है ये न केवल आपकी ऑफ रोडिंग के लिए बल्कि सिटी के अंदर भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। पीछे आपको व्हील, स्पेयर व्हील मिल जाता है, और आपको मिल जाता है यहाँ पर भी एक वॉशर दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, बैक वाइपर दिया गया है, और ये आपको वॉशर भी यहाँ दिया गया है। ये देखिए ये वॉशर यहाँ दिया गया है। हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। उसके बाद बात करूँगा जिमनी की, आपको यहाँ पर मिल जाती है बैजिंग, ऑल ग्रिप लिखा हुआ मिल जाता है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि बम्पर के अंदर इन्होंने जो पीछे आप देख रहे हो जो टेल लैम्प दिए हुए हैं बम्पर के अंदर, यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स, और आपको मिल जाता है आपका ब्रेक लाइट, तो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है देखने का। लेकिन बात करेंगे कि ये जो लैंप दिए गए हैं, ये मुझे लगता है कि जो इन्होंने बम्पर में दिए गए, बम्पर में ना देकर अगर इन लैंप्स को बॉडी के ऊपर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बिकॉज ये इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि अगर सिटी के अंदर, दिल्ली जैसे सिटी में गाड़ी लगती लगती है पीछे से कोई ना कोई ठोकता ही ठोकता है, तो ये लैंप आपके जल्दी जल्दी टूटने वाले हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रहे, जो मैं बात बता दूं। और अगर ऑफ रोड मतलब की ये गाड़ी बनाई गई है तो उसमें भी जो है जल्दी डैमेज होने का खतरा रहेगा, तो कंपनी को गाड़ी ये जो लैंप हैं ये देने चाहिए थे हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये इस तरह का लैंप आपको देखने को मिलता है। रिवर्स कैमरा भी इसके अंदर दिया गया है, वो रिवर्स कैमरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये नीचे आपको रिवर्स कैमरा यहाँ दिख जाता है, जहाँ पर नंबर प्लेट की प्लेसमेंट दी है। चार सेंसर मिल जाते हैं,
ये कुछ इस तरीके के आपको सेंसर, दो सेंसर इस तरफ और दो सेंसर आपको मिल जाते हैं इस तरफ। तो ये बात हो गई ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल की। बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो 208 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। पुश करना है गाड़ी को और खोलकर पीछे हट जाइए तो ये डोर अपने आप इसके अंदर खुलने वाला है। हाइड्रोलिक सिस्टम है, कुछ इस तरीके से डोर अपने आप खुल जाता है। बूट स्पेस की बात करूँ तो अगर जब चार लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, फोर सीट्स है गाड़ी, तो यहाँ पर बूट थोड़ा सा छोटा रह जाता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट का नहीं मिलता है। लैंप यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस तरीके का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है। हाँ, सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, ये सीट फोल्ड करने का ऑप्शन इसमें आ जाता है। कुछ इस तरीके की सीट फोल्ड हो जाती है तो आपका बूट जो है एनलार्ज हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, ये मानने और सोचने वाली बात है, ऐसा अक्सर होता नहीं है कि लोग चार ना जाकर तीन ही जाएं, पर हाँ कभी हो भी सकता है। तो बूट को एनलार्ज करने का हमारे पास एक रास्ता भी दिया गया है कि कुछ इस तरीके से आप लार्ज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल की। अच्छी बात सिर्फ इतनी सी है कि जो आपका स्पेयर व्हील है इसके अंदर भी आपको अलॉय मिल जाता है। यहाँ पर अभी कवर है, ये यहाँ से कवर किया गया है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता, ये अलॉय के अंदर मिलता है स्पेयर टायर भी। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया गाड़ी की प्रोफाइल के बारे में, गाड़ी के फीचर्स के बारे में जो आपको मिल जाते हैं। लगभग फ्यूल अभी हमने भरवाया था, 40 लीटर का आपका फ्यूल टैंक है जो कि सफिशेंट अमाउंट में है। तो चलिए बात करेंगे गाड़ी के कुछ अंदर इंटीरियर की। बात करता हूँ फ्रंट के ड्राइवर साइड डोर पैड की, तो ये आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। डोर पॉकेट छोटी है, कुछ इस तरीके का यहाँ प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है क्योंकि गाड़ी बेसिकली ऑफ रोड के मतलब के लिए बनाई गई गाड़ी है। सीट की बात करता हूँ तो कुछ इस तरीके की सीट मिल जाती है आपको देखने में। सीट कंफर्टेबल है, हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं है, यहाँ से आप आगे पीछे सीट को कर सकते हैं। सीट का अमाउंट सेटिंग का ठीक है, बढ़िया है, सीट का अमाउंट ठीक मिल जाता है आपको। कुछ इस तरीके का एडजस्टेबल इसके अंदर हेडरेस्ट है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके क्लस्टर की, कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको देखने को यहाँ मिलता है। गाड़ी का इंटीरियर आपको कुछ ऐसा मिलता है। तो चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठेंगे और बताएंगे आपको बाकी चीज़ों के बारे में। तो गाड़ी के बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको मिल जाता है पुश बटन स्टार्ट, ऑटो ऑफ का फंक्शन इसके अंदर आता है। ये वॉशर जो हेडलैम्प का दिया हुआ है उसका प्लेसमेंट यहाँ पर है। हेडलैम्प जो बीम है आप हाई लो कर, यहाँ पर आपको जो कंट्रोलिंग मिलती है ये मिलती है ORVM की कंट्रोलिंग। लेफ्ट राइट बोथ साइड मैनेज कर सकते हो, ऑटो फोल्ड का इसके अंदर मिल जाता है। फोल्डेबल इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ORVM की कंट्रोलिंग। कुछ इस तरीके की यहाँ देखिए आप बात कर सकते हैं इंटीरियर की, तो कुछ इस तरीके का बैठकर हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक में मिलता है आपको क्योंकि ऑफ रोड वाली गाड़ी है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी। तो ये स्टार्ट होने पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अभी देखिए दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करूँगा तो ये एक अलग सी चीज़ है। ये देखिए आप गियर लीवर जो है यहाँ पे, ये कैसे डांस करेगा अभी, ये डांसिंग गियर लीवर मैंने देखा इसके अंदर, ना मालूम ये क्या है। यहाँ से आपको कंट्रोलिंग मिल जाती है आपकी, जो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ दिया गया है। AC स्टार्ट कर लेते हैं और AC का भी फील लेंगे और बताएंगे आपको कि AC का यहाँ पर क्या फील आता है। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल स्क्रीन आपको मिल जाती है, 9 इंच की स्क्रीन, काफ़ी बड़ी। कुछ इस तरीके का इंटीरियर। क्लस्टर की बात करता हूँ तो ये क्लस्टर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। माइलेज की बात गाड़ी की करता हूँ तो अभी फ़िलहाल स्क्रीन पर वो 10.7 की जो माइलेज दिखा रहे हैं, कंपनी जो है बताती है, कहती है कि यार लगभग ये 16 की एवरेज आपको दे देगी। पता नहीं वो चीज़ें बात की हैं, टेस्ट करेंगे, वो भी वीडियो बनाएंगे उसकी भी कि माइलेज इसकी क्या आती है। टैंक फुल करवाया हुआ है। कंट्रोलिंग स्टेयरिंग की आपको यहाँ पर देखने को कुछ इस तरीके की मिलती हैं, ये कंट्रोलिंग्स यहाँ पर दी गई हैं। मीडिया कंट्रोल दिया गया है, इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल दे दिया, यहाँ पे आप मैनेज करते हैं क्रूज को भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे दी। एयरबैग, 6 एयरबैग हैं भाई गाड़ी में, ये बहुत अच्छी बात है, 6 एयरबैग। ये आपको यहाँ पर वैनिटी दी गई है, आपको सन गार्ड जो आपका ये है सन वाइज़र है इसके अंदर वैनिटी मिल जाती है, बढ़िया है भाई। यहाँ पर भी वैनिटी मिल जाती है, लैंप नहीं मिलता लेकिन बढ़िया है। जो आपका IRVM है डे नाइट मोड आप इसको कंट्रोल करेंगे, मैनुअली एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको केबिन के लैंप मिल जाते हैं, सनग्लास रखने के लिए कोई भी जगह नहीं बनाई हुई मिल जाता है। आपको ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके का फोल्डेबल नहीं है, कुछ सिंपल प्लास्टिक वाला है। हार्ड ग्लव बॉक्स,
इस तरह का मिलता है। डैशबोर्ड की बहुत हार्ड प्लास्टिक है। एसी वेंट काफ़ी स्मार्ट लगते हैं। बेसिकली इसको गाड़ी के जो बनाया गया है वो बहुत ज़्यादा इसको ऑफ रोड पर्पज़ बनाया गया, टेक्निकली इसको इतना स्ट्रांग नहीं किया गया है, इसको गाड़ी को वैसे स्ट्रांग बनाया गया है। कंट्रोलिंग जो विंडो की है आपको वो यहाँ मिलती है, हिल डिसेंट कंट्रोल और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पर विंडो की कंट्रोलिंग यहाँ दी गई है, कुछ इस तरीके के मोड्स दिए गए हैं यहाँ पे। और ये जो स्टेयरिंग है आपका, ये राउंड शेप में स्टेयरिंग मिल जाता है और आपका जो स्टेयरिंग है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें नहीं है, अप एंड डाउन का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि गाड़ी के अंदर जो क्लस्टर की कंट्रोलिंग्स हैं वो क्या क्या मिल जाती हैं आपको। तो कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ स्टेयरिंग के इस कंट्रोल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए अभी जो फ्यूल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली 320 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। नेक्स्ट बात करता हूँ एवरेज जो स्पीड है अभी जो बता रहा है वो बता रहा है 16 किलोमीटर जो बता रहा है पर आवर की। साथ में ड्राइविंग टाइम जो है वो भी ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, ये सब स्टेयरिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो। कुछ इस इंस्टेंट फ्यूल इकॉनमी भी दिखा रहा है वो, और एवरेज जो फ्यूल इकॉनमी है वो भी 10.6 लीटर की। ये मैंने मोटी मोटी बात कर ली। चलिए पीछे की प्रोफाइल बैठेंगे, उससे पहले बता दूँ यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये देखिए USB के थ्रू भी आप चार्जिंग सॉकेट बना सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर है। और यहाँ पर कोई किसी तरीके का यहाँ पर कप होल्डर नहीं है, फ़ोन या चाबी आप वहाँ सामने रख सकते हो। यहाँ साइड में आपको विंडो कंट्रोल दी गई है, कंट्रोलिंग दी गई है। यहाँ पर लॉक सिस्टम दिया गया है, हैंड ब्रेक लीवर आपको मिल जाता है यहाँ पर। मेन आ जाइए यहाँ पर जो 4x4 का लीवर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, इसके साथ में ये यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए पीछे की प्रोफाइल की बात करेंगे गाड़ी की। पीछे की प्रोफाइल की बात करता हूँ बैठने की, तो देखिए ऐसे गाड़ी के अंदर गए और झट से बैठ गए और बैठने के बाद अपना दरवाज़ा कर लिया हमने बंद। तो ये तो भाई जो थार के अंदर दिक्कत आ रही है ना वो आपको इसमें नहीं आने वाली है, गाड़ी में जाइए और झट से बैठ जाइए। तो ये कुछ इस तरीके का आपको मिलता है यहाँ पर देखने का कुछ नज़ारा, जो कि आपके इंटीरियर के फ्रंट केबिन के इंटीरियर का है कुछ इस तरीके का नज़ारा। तो ये बात कर ली हमने ओवरऑल गाड़ी के फ्रंट के फीचर्स की भी, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। और अब बात करते हैं पीछे की सीटिंग की। तो दो ही लोग बैठ सकते हैं, कंपनी ने दो लोगों के बैठने का ऑप्शन दिया है। सीट अभी मैंने कम्प्लीटली पीछे की हुई है। अगर सीटिंग की बात करता हूँ गाड़ी की, तो सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है पीछे की तरफ, आप देख सकते हैं काफ़ी मतलब अगर लेग रूम की बात करता हूँ लेग स्पेस भी ठीक ठाक आपको इसके अंदर मिल जाता देखने को। तो सिटिंग पीछे की कंफर्टेबल है, लेकिन दो ही लोग बैठ सकते हैं, चार लोग तीन लोग इसमें नहीं बैठ सकते। कंपनी की तरफ से दो ही लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि इसका एक बेसिक कारण ये भी है कि जो इसका हम्प दिया हुआ है जिमनी का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम्प दिया हुआ है, तो कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे, दो ही लोग बैठ पाएंगे पीछे भी। तो कुछ इस तरीके की ये प्रोफाइल है। हेडरेस्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं, हेडरेस्ट इसके अंदर दिए गए हैं जो आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। और सीट्स की बात करता हूँ तो सीट यहाँ पर आपको मिल जाती है, जो कि आपकी फोल्डेबल सीट्स यहाँ पर मिल जाती है कुछ इस तरीके की, सीट फोल्ड हो जाती है। तो ये सीट्स भी आप फोल्ड कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी रेस्ट काफ़ी कंफर्टेबल, पीछे की भी सीटिंग है मैं बता देना चाहता हूँ, बढ़िया है। और भाई यहाँ लैंप आपको एक ऊपर देखने को मिल जाता है, ये लैंप आपको दिया गया है केबिन के अंदर पीछे की तरफ, ये लैंप भी आपको दिया गया है। और राइड कंफर्ट की बात करूं तो पीछे काफ़ी अच्छा राइड कंफर्ट आपको मिल जाएगा। तो जिमनी की जो बेसिक बात वो ये है कि जो बेसिक बात है वो ये है कि भाई ठीक है, चार लोग बड़े अच्छे से मज़े से एंजॉय कर सकते हैं राइड को, घूमने को अपने, और मज़े की राइड ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया अमाउंट में आप पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, ये जो हमारा बैक रेस्ट है, ये बैक रेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा हमें लगा जो स्ट्रेट है, ज़्यादा स्ट्रेट है, बाकी फिर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। तो चलिए बात करेंगे ओवरऑल गाड़ी की राइड के बारे में। एक स्पेशल जो फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है, जो आपका विंडो कंट्रोलिंग है वो यहाँ पर दी गई है, जो डोर पैड है, डोर पैड पर विंडो कंट्रोलिंग आपको मिलती है देखने को। ये साइड में कुछ इस तरीके की आपको विंडो कंट्रोलिंग देखने को मिल जाती है। बाकी साइज़ विंडो का काफ़ी अच्छा है, ह्यूज साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी अच्छा इम्प्रेसिव फीचर्स के साथ गाड़ी की मैंने आपको कम्प्लीट एक एक चीज़ बात की, एक एक चीज़ के बारे में बताया। कुछ इस तरीके का देखिए यहाँ पर आपको मिलता है डोर के ऊपर, जो हमारा विंडो की कंट्रोलिंग है वो यहाँ मिल जाती है।
ठीक। तो चलिए गाइस अभी अपनी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हमारे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ कि हमारी गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस है लेने के बाद गाड़ी को, और जो रेट इसका बताया मैंने आपको लगभग 16,86,000 रुपये की ये गाड़ी हमें पड़ी है, 16,86,000 रुपये की अल्फा का मैनुअल ट्रांसमिशन जो ये मॉडल है, फीचर सभी आपके साथ शेयर किए, कुछ और वीडियोस बताएंगे आपको, गाड़ी की चीज़ें शेयर करेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करेंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्दी से 2000 सब्सक्राइबर पूरे कीजिए। जिमनी के कोई क्वेश्चन हैं आपको तो कमेंट सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या आपके क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेरीज हैं आपकी वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बीइंग विद अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।